स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म का मतलब ये है कि आज अगर शिवरात्रि है तो कल प्रभात होगा। ये फिल्म अपने आप में एक शिवरात्रि टाइटल जरूर है, मगर फिल्म लाइन के लिए, अपकमिंग स्टारों के लिए, नए पुरुषों के लिए सुप्रभात बनेगी। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म का भी ट्रेलर देखने के बाद में मुझे ये लगा कि ये वाकई में दो साल जो गए कोरोना के बाद में, अगर कोई एंटरटेनमेंट की अगर वाकई में कोई पिक्चर सबके थ्रिलर जो देखने को मिलेगी वो है शिवरात्रि। और इसमें शाहिद मलिया जी है, राजू जी है, काफ़ी बड़े बड़े अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने मतलब इसमें काम किया है। काफ़ी ट्रेलर के बाद मुझे लगा कि इसलिए मैंने अगर इतना प्यारा ट्रेलर बनाया तो फिल्म तो बहुत खुशहाली होगी। और विष्णु ने संगीत बहुत अच्छा दिया और राहुल जी ने सारे कलाकारों को बहुत अच्छा सारे कलाकारों बहुत प्यारी फिल्म बनाई। और इनके लिए मैं यही दुआ करूँगा कि इन्होंने जो सपना देखा था कि मैं इंडस्ट्री में कुछ बनूँ, कुछ एक्टर बनूँ या विलन बनूँ, तो विलन के लिए तो लोगों के साथ धक्के खाए इन्होंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि इंडस्ट्री से किसी को अपनाती है। ये गए भी कभी कहीं फाइनेंस की बात, कहीं कहीं कुछ लगाने की बात की, मगर लोगों ने इनको रिच किया। आखिर में इनको कहीं से प्रेरणा मिल गई, इन्होंने कहा कि जब मरना ही है तो खुद ही मर के स्वर्ग जाऊँ ना, तब इन्होंने ये फिल्म बनाई शिवरात्रि, जिसका टाइटल बड़ा प्यारा है। क्योंकि हम जब किसी से भी मिलते हैं जाते वक्त ये कहते हैं शिवरात्रि जी, और इस फिल्म का उद्देश्य ये है, देखने के बाद में आपको लगेगा कल का सुप्रभात बहुत प्यारा होगा। फिल्म को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके इतने बड़े सारे चैनल लोग जो आप लोग आए हो, मैं हर वक्त आप लोगों की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग नहीं हैं तो हम लोग भी नहीं हैं। बगैर मीडिया के, बगैर चैनल के, बगैर प्रेस के कोई भी चीज़ हिट नहीं होती, और उसको हिट बनाना और उसको पब्लिक तक पहुँचाना इन लोगों का काम है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की तालियां बजाकर आप लोगों को नमस्ते करूँगा, आप लोग यहाँ आए, थैंक यू। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि आपकी कैसी रही शिवरात्रि और कैसा रहा जल्दी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़े खूबसूरत लग रही हैं आप इस अवतार। थैंक यू सो मच। मुझे तो देखिए काम करने में बहुत मज़ा आया, हालांकि मेरी मूवी है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी और इस पर काफ़ी सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जाकर देखिए, क्योंकि दो साल तक तो कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं हुआ, तो आप सब लोग जाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। रही बात मुझे काम करने में, तो मेरे जितने भी मैंने पूरे टीम के साथ काम किया है मुझे बहुत मज़ा आया है और हमने बहुत इंजॉयमेंट के साथ काम किया है, काम की तरह नहीं इंजॉय की तरह काम किया है, बड़ा बहुत मज़ा आया मुझे। और ये जो जर्नी थी बहुत अच्छी थी और बस यही चाहूँगी कि आप लोग जाइए और सब जाइए और ज़रूर देखिए। इस अवतार के बारे में बता दें जो आप आज ले अवतार लिया है, अपने अवतार के बारे में पिक्चर क्या मूवी में नहीं नहीं आज आज जो आप ड्रेसिंग करके आई है अवतार के बारे में क्या बताऊँ, बस आप लोगों को अच्छा लगा इसलिए थैंक यू। ओके राहुल जी आप क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि के बारे में, कैसी रही जर्नी और कैसी है ये फिल्म और अगर लोग इसका पार्ट बने तो क्यों बने और क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिवरात्रि एक्चुअली मेरे बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने पोस्टर लॉन्चिंग में मैंने अपने बारे में बहुत ही बताया था, मास्क सब और शिवरात्रि फिल्म जब शूटिंग चल रही थी तो किसी को पता नहीं था कौन सा है कौन, हम लोग उससे पूछते थे कि मेरी गाड़ी आती थी और यूनिट मेरा मान सम्मान करता था, तो लोगों को एक्चुअली लोग एक्चुअली कन्फ्यूजन में थे कि एक्चुअली प्रोड्यूसर है कौन, कोई कोई भी सोचता था कि मैं एक ही आदमी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर कैसे हो सकता है। तो पिक्चर का जो पार्ट है वो क्लाइमेक्स में पता चला लोगों को, एक दिन जब शूटिंग रह गया था सब लोगों को पता चला कि फिल्म के प्रोड्यूसर यही है। और इस सवाल डायरेक्शन का तो मैंने 2011 से मैंने इतने धक्के खा लिए और इतने पैसे गंवा दिए, अभी जो मैंने अंदर थिएटर के अंदर जो मैंने कहा कि इंडस्ट्री किसी को अंडर एस्टिमेट क्यों करती है, मेरे पास ऊपर वाले ने नवाजा है, भगवान ने मुझे दिया है, मैं समझ गया, हर कोई तो नहीं समझ सकता ना। तो शिवरात्रि एक मेरी जिद थी, एक मेरा मतलब को अभिमान नहीं कह सकता, मुझे ऐसा लगा कि नहीं फिल्म मैं पूरी कंप्लीट करूँगा, अधूरे में नहीं छोड़ूंगा। और फिल्म कंप्लीट होने के बाद एडिटिंग में बहुत सारे स्टेशन भाग दौड़ हुआ और मेरे परिवार स्टेशन डिस्टर्ब हुआ बहुत सारा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिल्म को यहाँ लाया और अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन के दरमियान कई लोगों ने ऑफर दिया कि वेब सीरीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैंने कहा भाई थिएटर के लिए फिल्म बनी है तो थिएटर में ही फिल्म रिलीज होगी, एक
किसी से पैसा लेके फिल्म नहीं बनाई गई है, हमारे पैसे से बनाई गई है, इसलिए मैं फिल्म थिएटर में रिलीज करूँगा भले 100 चले उतर जाए। उस मतलब को मुझे सबसे ज़्यादा मैडम ने दिया है क्योंकि मैडम इस फिल्म की मेन भूमिका थी, क्योंकि इसमें जो मेहुल शाहिद भाई और राहुल और राजकुमार खनौजिया और ये सब लोग आते थे जाते थे, लेकिन सबसे अहम भूमिका और मेरा जो किरदार है वो थोड़ा ग्रे शेड है, इसलिए मतलब बहुत पॉजिटिव बंदा बना है। एंड स्टोरी जैसे आगे बढ़ती जाएगी तब पता चलेगा कि बंदे का कुछ ग्रे शेड है। मतलब आई एम श्योर ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, बिकॉज कंटिन्यू लगेगा नहीं कहीं कहीं पर अटक रहा जा रहा है, यहाँ पर लगा ये शाहिदा विलन है, मेहुल भाई विलन है या राहुल भाई, ये समझ में नहीं आ रहा क्या। तो उसके लिए आपको समझ फिल्म देखनी होगी। म्यूजिक भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे गाने हैं, मैम ने भी बहुत अच्छी इसमें परफॉर्म किया, डांस भी अच्छा किया, राहुल भाई ने बहुत अच्छा डांस किया, फॉरी डांसिंग भी हो, राहुल भाई ने बहुत अच्छी कॉमेडी एक्टिंग की है, कॉमेडी से इसका नेगेटिव रोल भी होते शेड प्ले किया। सो सबने बहुत मिल के मेहनत की है, आई एम श्योर आप सभी को ये फिल्म पसंद आएगी। 19 तारीख को अगले फ्राइडे रिलीज हो, मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि थिएटर में आइए, हमारी फिल्म देखिए, उनका प्यार और अपनी शायद भाई। शुभ रात्रि, सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या खास लगा ये और आपकी डेब्यू फिल्म है कि आपने हाँ कहा? सिंगिंग में तो हम सब ने आपका जलवा देखा है, एक्टिंग की तरफ कैसे रुख हुआ? एक्टिंग में एक्चुअली सिंगिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने कहा इस फिल्म से सीख ही जाए, मैंने पता कि मैं सीख पाया कि कैमरा फेस करना, टेक्निकली समझना, सीखने के लिए आजकल वीडियो में आने के लिए भी मुझे एक्टिव चाहिए। मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोज में प्रॉब्लम काम किया था, उसमें बस यही था कि कुछ टेक्निकली मैं वीक था, एटलीस्ट मैं वीडियो में अच्छा नहीं था। अपने दोस्ती फिल्म है तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, ट्राई किया। एक लर्निंग प्रोसेस था, आप ये बोल रहे हैं सीखने का प्रोसेस था। आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। किरदार बस एक बहुत लोगों ने एक्टिंग ट्राई की, आपने तो बहुत स्ट्रेट कह दिया कि मैं सीखने के लिहाज से, क्योंकि वीडियोस भी करते हैं उसमें भी एक परफॉर्मेंस की जगह रहती है। सोनू निगम ने किया और भी लोगों ने किया, इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सिंगर एक अच्छा एक्टर हो सकता है या नहीं? मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को अच्छे से तालीम लेनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, सीख रहा हूँ। सिंगिंग अपने आप पर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको भी किसी ढंग से कर लिया जाए तो भी बहुत कुछ बच जाता है। एक्टिंग भी अपने आप में अकेडमी है, सीखने के लिए एक जिंदगी लगती है। थैंक यू, थैंक यू। और सारे जो कास्ट थे सब ऐसे लगा था कि फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, और सब अपने आप में मतलब ऐसा इतने लोग इसमें पहली मतलब काम कर रहे थे, लग ही नहीं जा रहा था कि उनकी ये उनका ये पहली बार उनका काम कर रहे हैं। और मेरे दो चार इसमें दोस्त भी थे, शाहिद वाले उनको मैं पहले से जानता हूँ, फिर जावेद हैदर जिनको मैं पहले से जानता हूँ, इशरत भाई बहुत अच्छे से जानता हूँ, इन्होंने मेरी और भी वाकई कुल मिलाकर के बहुत मज़ा आया काम करके, और मेरा किरदार भी बहुत अच्छा है, करें इसमें कॉमेडी अच्छा है, और मुझे घूमने का मौका दिया, जो मुझे करना है वो मैंने किया, तो अच्छा लगा। थैंक यू। मैं वैष्णव दबा बिजू डायरेक्टर हूँ शिवरात्रि फिल्म, और राहुल जी ने 2 साल पहले ही बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाने बनवाए थे, और आज इतना बड़ा लॉकडाउन के बाद 2 साल के बाद ये पिक्चर रिलीज हो रही है, तो बहुत खुशी है, बहुत बेहतरीन गाने हैं, और पिक्चर सस्पेंस पिक्चर है, थ्रिलर पिक्चर है, और ये आप लोगों को देखने को मज़ा आएगा। और एक बात है कि साहिद मारिया जो सिंगर है उसको भी इसमें हमने एक्टिंग कराया है, वो एक हीरो का भी निभाया है, साहिद मारिया का गाना भी, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्त दिनेश मुखीजा USA से अमेरिका से, वो भी इस फिल्म में गाना गाए हैं शाहिद मारिया के साथ, और बाकी मुख्तार जी को बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, और मैं सारे टीम को पूरा बधाई दूंगा, और बहुत बहुत बधाई दूंगा। विजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर 2 साल के बाद फिल्म सीखने हो रही है, मैं
भी इस फिल्म का एक पार्ट हूँ। मैंने ये फिल्म को एडिट किया है। राहुल भाई जब फिल्म सामने देखो, राहुल भाई की पहली फिल्म है, लेकिन जब वो मेरे पास लेके आए थे, मैंने रसीद देखा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये पहली फिल्म है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। फिल्म पास तो मैं फिल्म अच्छी है, आपने ट्रेलर देखा है, फिल्म देखेंगे तो एक इंटरटेनमेंट फिल्म है। आपको मतलब आपका दो घंटा वेस्ट नहीं जाएगा, फिल्म देखने जाएंगे तो लगेगा कि अच्छा फिल्म देख गया। और मेरी टीम को कंग्रेचुलेशन, और अगर आप फिल्म रिलीज हो रही है। तिवारी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे शिवरात्रि को लेकर? कितने मैंने जो ट्रेलर देखा आपके लोगों तो इतना मज़ा आया कि ये बहुत ही मसाला मूवी है, जिसमें एक्टर्स ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। म्यूज़िक हमारे वैष्णोदा सबके फेवरेट बताना के इनके बारे में कमाल का म्यूज़िक दिया है, तो साउंड भी ज़बरदस्त रखा है और दमदार कहानी है और काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं चाहूँगा आप सब लोग जाएँ सिनेमाघरों में और सब आस पड़ोस के जितने भी आपके लोग हैं सबको लेके जाएँ। डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है फिल्म में। इसका नाम भी बहुत प्यारा है, शुभ रात्रि। तो जब भी आप मूवी देख के आएंगे तो आप ये होगी शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें 400 मिलियन दिया और जितनी फिल्में हमने बनाई और आधे में बंद कर दी, सभी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है। ये पहली फिल्म है जो इनकी रिलीज हो रही है 19 तारीख को। मैं ये चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है, आप सब लोग जाइए इन्जॉय कीजिए। और स्टोरी जो है सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है, पूरा कॉमेडी है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैंने भी 2-4 सीन कॉमेडी की है, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है। मैं ड्रिंक के साथ में पेड़ा खाता हूँ, दूध पी जाता हूँ, कब क्या खाना पता नहीं, बस खाली मुझे ये रहती है मैं सुहागरात का देखूँ। लेकिन जब सुहागरात का समय होता है तो वहाँ पर चोरी होता है। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया फिल्म में। और बस आई एम हैप्पी मेरी फिल्म रिलीज हुई।